समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। मुस्लिम क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग। आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कुछ मुस्लिम समाज सेवियों ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बढ़ रहे नशीले इंजेक्शन के कारोबार को रोकने हेतु आवेदन दिया और उन्होंने यह बताया कि नशीली वस्तुओं का कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिसमें समस्त मुस्लिम युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आकर मौत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन दिया और मांग की कि यह इस कारोबार पर रोक लगाई जाए। जबलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात करके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो नशे का इंजेक्शन का अवैध कारोबार अपनी चरम सीमा पे है इस समय, और नशीले इंजेक्शन के व्यापार से युवा पीढ़ी को जो है बहुत नुकसान हो रहा है, घर के घर परिवार सब बर्बाद हो रहे हैं। कई लोगों के मामले में ये हुआ कि नशीले इंजेक्शन न मिलने के कारण उनकी मौत भी हो गई। हम लोगों ने इसके पहले भी आवेदन दिया था, जिसके अंतर्गत जबलपुर संभाग में अच्छी कार्रवाइयाँ हुई तो थी, लेकिन नशीले इंजेक्शन के कारोबारियों के जो है अभी हौसले इतने बुलंद है कि दोबारा उनने जो है बड़े पैमाने पर कारोबार ऐसा शुरू किया है कि गली गली और छोटी छोटी तंग गलियों तक में जो है नशे इंजेक्शन बिक रहे हैं। तो हमने SP महोदय से मांग की है कि इन पर कड़ी कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि हमारे समाज को इसका लाभ मिल सके। आज कहाँ पर आए थे? आज हम जिला SP जबलपुर साहब के पास। नाम आपका? मंगन सिद्दीकी। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।